प्रिय बंधुओं, आज के कल की यह कड़ी स्थिरांक प्रस्तुत करने से पूर्व कल के बारे में जानना अच्छा रहेगा। काल अर्थात समय अनंत और अनादि सतत प्रभावान, हम कहते हैं समय काट रहे हैं। वस्तु स्थिति है, समय द्वारा हम काटे जा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भविष्यन्ति सर्वे ये अवस्थिताः प्रत्यनिकेषु योधाः। और शिव तो महाकाल हैं ही, करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम नतोह। काल यानी मृत्यु, अर्थात यमराज से उद्भव होता है कठोपनिषद मृत्यु और जीवन का रहस्य। और काल है संसार, इस संसार रूपी भवसागर से पार है स्थिरांक परम पद परम धाम द एटर्नल ट्रुथ। न तद्भास्यते सूर्यः न शशांकः न अवकाः यद्गत्वा और मात्र है अनादि अनंत नित्य ध्वनि ओम। यही है ईसा मसीह का किंगडम ऑफ गॉड, वेयर देयर शैल बी टाइम नो मोर। और यही है मानव की खोज, इसीलिए है यह आज के कल। दो कल, बीता और आने वाला, भूत और भविष्य, स्वप्न और आशाएं, हम दो में ही जीते हैं यदि इसे जीना कहा जाए, और इन दो में ही मर जाते हैं बिना मृत्यु को जाने। बेहोश जन्मते हैं और बेहोश ही मर जाते हैं। होशपूर्वक जन्मने और मरने के लिए आज में जीने की कला सीखनी पड़ती है। कल से पार होना ही आज है, वर्तमान है, जीवन है, स्वास्थ्य है, योग है, समाधि है, मोक्ष। कल से आज की यात्रा साधना है, तपस्या है, भक्ति है, मुक्ति है। मुक्ति अनंत दरवाजों का खुलना है, अनंत संभावनाओं का उद्भव है, चैन की पूर्ण स्वतंत्रता है। और स्वतंत्रता सम्मानी पाती है दायित्व बराबर कै गुणनफल दे, जहाँ कै एक स्थिरांक है। कै गुरुत्वांक जी की तरह सार्वभौमिक स्थिरांक नहीं है, वरन दृष्टा साक्षी और तथा ताकि स्थितियों पर निर्भर करता है। इन तीन स्थितियों के अनुसार कै को कै एक, कै दो और कै तीन में रखा जा सकता है। कै एक दृष्टा, यह विषय और विषय की दूरी पर निर्भर करता है। कै एक समानुपाती एक बटे ई, जहाँ ई इच्छा है, जैसे जैसे इच्छा कम होती है कै एक का मूल्य बढ़ता है, परिणामतः स्वतंत्रता बढ़ती है और साथ ही दायित्व बोध गहराता है। साधारणतया विषय और विषय का तादाद इतना गहरा होता है लगता ही नहीं वे अलग हैं। जैसे जैसे दोनों के बीच की दूरी बढ़ती है कै एक का मूल्य बढ़ता है और एक निश्चित दूरी पर अलगाव इतना हो जाता है दृष्टा दोनों को देखता है, कै एक कै टू पर छलांग लगा देता है। तब कै दो समानुपाती होता है एक बटे ए, यहाँ ए अनुभव या एक्सपीरियंस है। कै दो तब साक्षी या गवाह हो जाता है, वह दोनों विषय और विषयी को देखता है,
लेकिन इच्छा और द्वेष सहित उन दोनों के सुख और दुख का वह अनुभव करता है और उसी तरह सुखी व दुखी होता जैसे विषयी। क्रमशः यदि अभ्यास और ध्यान की गहराई बढ़े, कै दो कैन तीन में प्रवेश करता है, तब स्वतंत्रता बराबर हो जाती है कै थ्री गुणनफल दायित्व और कै तीन समानुपाती हो जाता है एक बटे नी, जहाँ नी निसंगता है। यह मूल जब शून्य होता है कै तीन अनंत हो जाता है, सार्वभौमिक स्थिरांक परम सत्य अविचल अटल स्थिर। कै तीन तथाता की स्थिति है, जहाँ जो जैसा है को सहजता में स्वीकारता है। सुख और दुख एक ही सिक्के के पहलू हैं का अनुभव हो जाता है, निसंगता का जन्म होता है, सत्य का साक्षात्कार होता है। कै के मूल्य से गुरु की स्थिति का बोध होता है। कै एक में अध्यापक कहलाता है, संसार से संगता व्यापार में खींच लेती है, उधार सूचनाएं विद्यार्थियों को पिला दी जाती है, वे परीक्षा में उनका वमन कर अंकों का जोड़ पा प्रसन्न हो जीवन की उस यात्र पर निकलता है जहाँ ये सूचनाएं बेमानी लगती हैं। कै दो में गुरु की महत्ता से परिचय की किरण दिखाई देती है, प्रतिभा से परिचय होता है, सृजनात्मकता आती और शिष्य को दी जाती है। कै तीन में गुरुता की अनंत सीमाएं उद्भासित होती हैं, अनुभव शिष्य को दिया जाता है, समस्त स्वप्न संस्कार कल्पनाएं गुरु द्वारा छीन ली जाती हैं, एक नया जन्म होता है और शिष्य को करना होता है पूर्ण समर्पण। निर्ममः निरहंकारः समदुःखः सुखक्षमी संतुष्टः सततम् योगी यतात्मा दृढ़निश्चया मयि अर्पित मनोबुद्धि प्रिया। अगर स्वतंत्रता चाहिए दायित्व तो आएगा, यह दीगर बात है निभाएं या नहीं। नहीं निभाएंगे तो श्रृंखलता फलित होगी, फल हम देख ही रहे हैं। दायित्व तो देना है, दायित्व तो बोध जगाना होगा, स्वतंत्रता देनी होगी, विश्वास करना होगा, उसके लिए स्थिरांक चाहिए। इसलिए यदि हमें चौकीदार की चौकीदारी के लिए और चौकीदार चाहिए, चरित्र प्रमाण पत्र देने वाले राजपत्रित अधिकारी के चरित्र पर दायित्व बोध पर संदेह है, कर्मचारी के कर्तव्य कर्म पर उंगली उठानी पड़ रही है, कॉलेज प्रदत्त शिक्षा प्रमाण पत्र की सत्यता पर संदेह है, तो हमें अपनी चयन प्रक्रिया पर गहन विचार की आवश्यकता है, गहन मंथन की आवश्यकता है। सच है मंथन से अमृत के साथ विष भी निकलता है, लेकिन यह भी सत्य है विषपान से ही शिव अर्थात कल्याण का प्रादुर्भाव होता है। तब दूसरों के सर ठीकरा फोड़ने की प्रवृत्ति पर आत्मचिंतन का आरंभ होता है और निस्तृत होता है सुंदर। हर व्यक्ति अव्यक्त का व्यक्त अंश अलग है, उसा न हुआ न होगा और न है, प्रकृति दोहराती नहीं। यह दीगर बात है उस अनंत शक्ति को हम विजय करने को निकल पड़े हैं अपनी औकात का आकलन करने की क्षमता का भान किए बिना। हर बंदा एक निजी विशेषता के साथ जन्म लेता है, उसका उचित विकास हो, उचित स्थान व उचित समय पर उसका उपयोग हो, यह काम मुखिया का है, एक दृष्टा का, साक्षी का या एक तथागत का। मुखिया का काम डंडा लिए पीछे पीछे दौड़ना नहीं है, वरन एक ऐसा वातावरण देना है जिसमें हर व्यक्ति अपना दायित्व स्वतंत्रता से पूर्ण दायित्व के साथ निभा सके। इसलिए आइए हम सब जन एक साथ मिलकर
अविश्वासों की दीवारों को ध्वस्त करें, प्रेम के आंसुओं से सिंचित भूमि पर श्रद्धा के मंदिर का निर्माण करें, मंदिर की साया तले पूर्ण स्वतंत्रता की सांस लें, हर सांस हमारे प्राणों को गहन दायित्व बोध से भर दें, तब मंदिर के कलश से उद्बोध हो, जन मन गण अधिनायक जय हे, जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 हे।